किसकी तरफ रहेंगे? कांग्रेस। कांग्रेस की तरफ? टिकट जिसको मिलेगी उसके साथ? नहीं सर, तो महादेव सिंह जी के साथ। महादेव सिंह जी के साथ? गिरिराज सिंह के साथ। कंफर्म? बिल्कुल कंफर्म, 100% हैं। हमारा तो खून का रिश्ता है सर उनसे। हमें पार्टी बिल्कुल खूब। क्या क्या करवाया बता? अजी विकास की गंगा बहा दी उन्होंने अपने रिंगस में। जयपुर नगर पालिका से वो बना दिया उसने, सी श्रेणी बीसीसी में कर्मोन्नत करवा दिया, एसडीएम कार्यालय खुलवा दिया, कोटड़ी में भी करवाया, कोटड़ी में रोड आ रही है एमडीआर रोड, अच्छा प्रोग्रेस किया है, पानी की समस्या को दूर किया है, 3-4 ट्यूबवेल दिए हैं, काफी सड़कें दी हैं। अपने जो पुराने रास्ता था, देश आज़ाद हुआ उसके बाद का जो रास्ता था उसको कर्मोन्नत रोड में करवाया अभी जस्ट। मेरा नाम वर्तमान समय में कांग्रेस के कार्यकर्ता है। हाँ, पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि हूँ। माता जी पंचायत समिति सदस्य है वार्ड नंबर 35 से। कोटड़ी में किसका क्या माहौल है? कोटड़ी में तो आपसे तो सवाल बनता ही नहीं है। अच्छा। तो ये बताइए आपने काम क्या करवाया? काम का तो ऐसा है, खंडेला साहब का कोई सानी नहीं है खंडेला में, तो रियल बात तो ये है। कैसे? आजादी से बाद में मेरी ग्राम पंचायत में, मैं रिकॉर्डेड बात कर रहा हूँ, हवाई बात नहीं कर रहा हूँ, जितना खंडेला साहब ने काम करवाया इन 4.5 साल के दरमियान। ये भी बता देना क्या क्या करवाया। बता रहा हूँ आपको। अरे वैसे तो कार्यकाल आप मानो 2.5 साल का ही मानो, तो 2 साल तो कोरोना का निकल गया। ठीक है। 5 महीने निकल गए इनके सरकार की उठापटक में, सचिन पायलट साहब वाला वो मामला हुआ। 2 साल का इनको टाइम मिला, 2 साल में इन्होंने शानदार काम करवाया और ऐतिहासिक काम करवाए। नंबर वन बात, मूलभूत सुविधाएं गांव में 4 होती हैं, आवश्यकता होती है शिक्षा स्वास्थ्य बिजली पानी। हो सकता है इंडिविजुअल व्यक्ति विशेष का कोई काम हुआ ना हो, वो एक अलग बात होती है, लेकिन मोटी मोटी समस्याएं 4 होती है, शिक्षा स्वास्थ्य बिजली पानी। शिक्षा के मामले में कोटड़ी दालान में आज तक में इतिहास में जितनी स्कूलें खुलवाई है, वो एक स्कूल तो जर्जर अवस्था में पड़ी है, उसका 1936 में आजादी के पहले की स्कूल है वो। और मेरे परदादा जी स्वर्गीय मोतीराम जी पटेल ने आजादी से पहले राव राजा कल्याण सिंह से स्कूल खुलवाई थी गांव वालों के सहयोग से, एक छप्पर डाल के उसको विधायक साहब ने अभी हाल ही में 5 महीने पहले उसको विभाग से डिसमेंटल करवाया, पूरी को खारिज करवा दिया। और इसका अनुमानित लागत 4 करोड़ को समथिंग के लगभग बजट की उन्होंने अभी संसद कर दी। कब आएगा बजट? बजट आने में ही है। और एक वो मंदिर है वो टूटने में, मंदिर को भी हमने मंदिर को भी खारिज करवा दिया और उसकी अभिशंसा करवा दी, उसका 75 लाख का बजट के लिए अभी आने में ही है, आ जाएगा। हाँ, सबसे लोग सब देखे बिल्कुल। हाँ, रियल बता रहा हूँ मैं आपको, यानी कि दोनों को विभाग ने खारिज भी खंडेला साहब ने करवाया, हम तो केवल माध्यम थे भाई, मेन सिस्टम तो खंडेला साहब का ही चलता है। मोटी समस्या मेरे कोटड़ी दालान में आज 1987 में उप स्वास्थ्य केंद्र खुला था, ठीक है, खंडेला साहब ने खुलवाया था। पड़ोसी गांव के मंत्री जी बंशीधर जी भी इस विभाग के मंत्री रहे हुए हैं, उन्होंने उसको कर्मबद्ध नहीं करवाया। खंडेला साहब ने 38 साल बाद में पीएससी में उसको कर्मबद्ध करवाया, आज गांव में 10 का स्टाफ बैठ रहा है। टिकट मिल जाएगी महादेव सिंह जी को इस बार? टिकट तो जनता के पास में है, टिकट की आवश्यकता नहीं है खंडेला साहब को, तो जनता के पास है टिकट, जनता का खंडेला साहब तो खुद तो खड़े नहीं हो रहे, गिरिराज जी खड़े हो रहे इस बार। गिरिराज तो उनसे सुपर है। कैसे? विकास के मामले में गिरिराज का तो कोई मुकाबला नहीं है। आप जर्जर स्कूल की बात कर रहे हो ना, आपने विजिट किए इस स्कूल की, आप पड़ोस में एक स्कूल है महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम, वो खंडेला साहब की देन है, उसकी विजिट करना, मैं ज्यादा नहीं कह सकता। सीकर जिले में अगर ऐसी बिल्डिंग और भवन मिल जाए तो आप कह दो करना। चलो वो दिखाएंगे। हाँ, सही कह रहे हैं क्या सब? ये मंदिर वाला आ रही है तो झूठे, अभी बजट आया नहीं।